हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मोटिवेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हम इस टॉपिक में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, जिसको हम मोनेटरी और नॉन मोनेटरी इंसेंटिव भी बोलते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है फाइनेंशियल, या फिर बोल सकते हैं हम इसको मोनेटरी इंसेंटिव। ये क्या होता है? फाइनेंशियल इंसेंटिव आर दोज इंसेंटिव विच आर इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि जो मोनेटरी इंसेंटिव होते हैं स्टूडेंट्स, ये वो इंसेंटिव होते हैं जिनको हम टर्म्स ऑफ मनी में इवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी कि हम इनको मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉई को मोटिवेट करने के लिए कोई रेंट फ्री हाउस दे देती है, कोई कार प्रोवाइड करवा देती है, कोई सर्वेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देती है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? हम इनको मनी में मेजर कर सकते हैं। देखिए, हम इनमें किस किस को इंक्लूड करते हैं। सबसे फर्स्ट इसने लिया पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस आर द चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉई। यानी कि जो एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी के साथ साथ, यानी जो सैलरी मिलती है उसमें बेसिक पे और डीएनएस अलाउंसेस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो मिलते हैं, और उसके साथ साथ अलग अलग अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। जैसे कोई हाउस रेंट मिल गया, कोई मेडिकल अलाउंसेस मिल गया। तो जो ये अनाउंसेज हैं, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव। स्टूडेंट्स, द एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड बाय लिंकिंग प्रोडक्टिविटी विद देयर सैलरी। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को सैलरी देने के साथ साथ उसकी वेज को प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर देते हैं। यानी कि उसको एक टारगेट दे दिया जाता है कि भाई आपकी सैलरी इतनी रहेगी, और अगर आप इससे ज़्यादा इतना काम करेंगे तो आपको इतना इंसेंटिव दे दिया जाएगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, सपोज कीजिए एक बैंक में एक जॉब है, और उसकी जो जॉब है वो है अकाउंट ओपन करने की जॉब है। तो मैनेजर ने उसको कहा कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ होगी और इसमें आपको 10 अकाउंट्स ओपन करने हैं एक मंथ के अंदर, अगर आप इस 10 से ज्यादा अकाउंट ओपन करेंगे, तो जितने अकाउंट ज्यादा ओपन करेंगे आपको 1,000 पर अकाउंट इंसेंटिव के मिलेंगे। अगर मान लो, सपोज कीजिए उस सेल्स पर्सन ने 12 अकाउंट ओपन किए, तो उसकी 20,000 सैलरी के साथ साथ 2,000 रुपीज उसको इंसेंटिव मिलेगा। इसी प्रकार से हम उसको प्रोडक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। नेक्स्ट आता है बोनस। देखिए स्टूडेंट्स, बोनस आजकल इंडस्ट्रीज में दिया जाने वाला सबसे ज्यादा मॉनेटरी इंसेंटिव है। बोनस refers to that payment to employee in addition to their regular remuneration which is paid as reward of their good services. Students, जो bonus दिया जाता है वो employee की good services के बदले जो employer है वो provide करता है employee को। The bonus plan helps in establish coordinate relationship between owner and the employee. यानी कि जो bonus है वो employer के और employee के जो relation को है वो अच्छे से bound करता है। और जो आजकल ये पेमेंट है स्टूडेंट्स, ये मोस्टली इंडस्ट्रीज में पे की जाती है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग का क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, राइट? दूसरी तरफ जो एम्प्लॉई है वो क्या करता है, अपनी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन चलती है, राइट? तो जो एम्प्लॉयर है वो कई बार क्या करता है, जो एम्प्लॉई है उसको सैलरी के साथ साथ, रेमुनरेशन के साथ साथ कुछ प्रॉफिट में भी शेयर कर देता है। यानी एक जब जरूरत के बाद उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ शेयर एम्प्लॉई को मोटिवेट करने के लिए उसमें प्रॉफिट में शेयर कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एवरी एम्प्लॉई रिमेन्स कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए, जो भी इंप्लॉई वर्क करता है स्टूडेंट्स, वो रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट्स देखना चाहता है। इसके लिए जो इंप्लॉयर है वो उनको ग्रेच्युटी दे देता है, कई बार प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता है, तो जो कि पैसा रिटायरमेंट के बाद उसको मिल जाता है, राइट? इसके बाद आता है स्टूडेंट्स प्रोक्विजेट्स।
परक्विजिट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऐसी फैसिलिटी होती है जो इम्प्लॉयर द्वारा इम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया रेंट फ्री हाउस, कोई रहने के लिए घर दे दिया गया फ्री में, आने जाने के लिए कोई कार प्रोवाइड करवा दी गई, कोई घर में रहने के लिए सर्वेंट प्रोवाइड करवा दिया गया, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स परक्विजिट्स। अब आता है स्टूडेंट्स नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, इट रेफर्स टू इंसेंटिव विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद मनी, जिनका मनी के साथ कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता हम उसको नॉन मॉनेटरी बोलते हैं, यानी कि हमें उसमें मनी में मेजर नहीं किया जा सकता तो हम उसको नॉन मॉनेटरी बोलते हैं। तो इससे कैसे मोटिवेट किया जा सकता है एम्प्लॉय को, देखिए सबसे पहले होता है स्टेटस। देखिए ये स्टेटस क्या होता है, स्टेटस किसी भी, इसका मतलब होता है कोई पोजिशन या कोई रैंक, कोई पोजीशन या फिर कोई रैंक ये हो सकता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाई रैंक पर हैं या लो रैंक पर हैं तो वो आपके स्टेटस को शो करता है। आप जितने ज़्यादा हाई रैंक पर होंगे उतनी ही आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी, राइट। उसके लिए आपको अलग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है, जैसे कोई स्पेशल केबिन दे दिया, कोई आपको कॉस्टली फर्नीचर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया, कोई पियोन आपको प्रोवाइड करवा दिया गया, कोई पीए दे दिया गया। तो ये क्या है, आपके स्टेटस को दिखाती है, स्टेटस को शो करती है। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसके स्टेटस को भी हाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इट मीन्स द वर्किंग सिस्टम विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन दिस इंक्लूड इंडिविजुअल फ्रीडम रिसिप्ट ऑफ अवार्ड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय। यानी हर पर्सन एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे क्लाइमेट में काम करना पसंद करता है, तो जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करवा के उसको मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू एडवांस हिज लाइफ, यानी कि हर जो एम्प्लॉय है अपनी लाइफ को एडवांस करता है। प्रमोशन इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द कैरियर एडवांस अपॉर्चुनिटी। यानी कि देखिए अगर हम प्रमोशन करना चाहते हैं किसी एम्प्लॉय की, उस प्रमोशन के लिए हम उसको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब जब उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी तो हम उसको प्रमोशन भी करवा सकते हैं, और प्रमोशन बढ़ने से वो क्या होगा, प्रमोशन होने से उसको मोटिवेशन मिलेगा, इंसेंटिव जो हमें उसको मोटिवेट करना है वो हम उसको ट्रेनिंग देके और उसकी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा के हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जॉब इनरिचमेंट, यानी इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जॉब। जॉब की इम्पोर्टेंस को जो बढ़ाता है हम उसको जॉब इनरिचमेंट बोलते हैं, राइट। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स जॉब सिक्योरिटी। देखिए जॉब सिक्योरिटी इज अ नॉन मॉनेटरी मोटिवेटर। यानी देखिए अगर हम एम्प्लॉय को उसकी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दें, यानी कि उसको ये बता दिया जाए भाई आपकी जॉब सेफ है, आप काम अच्छे से करते रहिए, आपकी जॉब सेफ रहेगी। अगर मान लो सपोज कीजिए अगर किसी के मन में जॉब फायर होने का फियर रहता है तो वो अपना ध्यान, जो सारा ध्यान है वो अपने काम में ना लगा करके कोई नई जॉब ढूंढने में लगाता है। तो अगर एक एम्प्लॉयर उस अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दे देता है तो वो उससे भी क्या नाम है मोटिवेट होता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। देखिए एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कि हम ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉई को ये शो ऑफ कर दें कि यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। इसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉई फॉर गुड वर्क परफॉर्मेंस, किसी ने काम अच्छा किया हमने उसको बोल दिया शाबाश, तो वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमने क्या किया कि नोटिस बोर्ड लगा दिया कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हमने क्या कहा भाई जो भी इस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल करेगा पूरा महीना उसका नोटिस बोर्ड पे नाम रहेगा गुड सेल्समैन के नाम। तो हम क्या करेंगे, कंपनी का कोई पैसा इसमें नहीं लगता, पूरा महीना हम क्या करेंगे गुड सेल्समैन ऑफ द मंथ दिस मंथ, गुड सेल्समैन ऑफ दिस मंथ नरेश, गुड सेल्समैन सेल्स गर्ल ऑफ दिस मंथ पिंकी। तो उससे क्या होगा, हर एम्प्लॉय ये चाहेगा कि मेरा नाम भी इस नोटिस बोर्ड पर आए, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का कोई पैसा इसमें नहीं लगता है।
और जो इम्प्लॉई हैं वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते रहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लॉई रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। सॉरी स्टूडेंट, जो अभी बताया था ये इम्प्लॉई रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम आपको बताया था। इम्प्लॉई पार्टिसिपेशन क्या होता है? इम्प्लॉई पार्टिसिपेशन ये होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन लेती है तो हम इम्प्लॉई को उसमें उनसे सजेशन ले सकते हैं, उनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको ये एहसास होता है कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इम्पोर्टेंस है। और लास्ट बताया था इम्प्लॉई रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, जो भी मैंने आपको बताया था कि हम इसमें इम्प्लॉई रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम बना सकते हैं, हम किसी इम्प्लॉई को कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं कि जो गुड सेल्समैन होते हैं उनके उसका नोटिस बोर्ड पर नाम लगा सकते हैं, उनको कोई मोमेंटो प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसी प्रकार से कोई हम उनको कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये सब इम्प्लॉई रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम होते हैं।